संचालन समिति के प्रमुख और राज्यसभा सांसद सुभाष गाड़ा जी और पार्टी के आप सब पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का, सबसे पहले जो 25 मई को हरियाणा प्रदेश के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं, प्रदेशवासियों को मैं इन चुनावों में जो हिस्सेदारी ली है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोगों ने जो घर से निकल करके रुचि दिखाई है, मैं प्रदेशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है। मित्रों, 2 महीने से लगातार चुनाव की प्रक्रिया संगठन के द्वारा वो चली हुई थी। हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूती से नीचे संगठन की आदरणीय मोदी जी की नीतियों को लेकर के घर घर तक और गांव गांव तक पहुंच रहे थे। मैं कार्यकर्ताओं का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मजबूती से सारी इस प्रक्रिया में और भयानक गर्मी में, पीक का मौसम है गर्मी का और इस गर्मी में प्रदेश के लोग भी बाहर निकले हैं और उन्होंने राष्ट्र हित में अपना वोट दिया है गर्मी की परवाह किए बगैर। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और लगभग 90 विधानसभाओं में से जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो आकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों का वो हौसला बढ़ाया है, बड़े कार्यक्रम किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 3 जनसभाएं वो प्रदेश में रही हैं, प्रदेश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी का खुल करके स्वागत किया है और आदरणीय अमित शाह जी की 3 रैलियां अलग अलग स्थानों के ऊपर हरियाणा में हुई हैं, आदरणीय नड्डा जी की, जगत प्रकाश नड्डा जी की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5 स्थानों के ऊपर उनकी अलग अलग कार्यक्रम और रोड शो हुए हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी जिनके 4 कार्यक्रम अलग अलग स्थानों के ऊपर हुए हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी का हरियाणा प्रदेश की इस पवित्र भूमि पर 1 कार्यक्रम हुआ है और 90 विधानसभाओं में से 58 विधानसभाओं के ऊपर स्वयं मेरे कार्यक्रम हुए हैं और बाकी 44 विधानसभाओं के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के कार्यक्रम हुए हैं और हमारे पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, 8 कार्यक्रम उनके आयोजित हुए हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 कार्यक्रम उनके आयोजित हुए हैं, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के भी 2 कार्यक्रम, 3 कार्यक्रम हरियाणा में हुए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे केंद्रीय मंत्री उनका भी 1 कार्यक्रम हुआ है, दिव्या कुमारी जो डिप्टी सीएम है राजस्थान सरकार में उनका भी 1 कार्यक्रम हरियाणा में हुआ है, दिनेश शर्मा जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे हैं उनका भी 1 कार्यक्रम हरियाणा में हुआ है, मनजिंदर सिंह सिरसा उनके भी 2 कार्यक्रम हरियाणा में हुए हैं और हमारे परमानंद बिहारी जी का भी 1 कार्यक्रम हुआ है, सतपाल जी महाराज के 2 कार्यक्रम हुए हैं,
इस सारी चुनावी प्रक्रिया में लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ है, लगभग 134 कार्यक्रम बड़े हुए हैं, और उसके बाद हमारा जो प्रदेश लीडरशिप था, प्रदेश के मंत्री, उनके कार्यक्रम रहे हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के कार्यक्रम रहे हैं, हमारे जो राज्यसभा के माननीय सांसद थे उनके अलग कार्यक्रम रहे हैं, पार्टी की पूरे के पूरी लीडरशिप और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारा चाहे बूथ का कार्यकर्ता था, हमारा पन्ना का कार्यकर्ता था, मंडल का कार्यकर्ता था, हमारा जिला का कार्यकर्ता था, या हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता थे, उन सब ने मजबूती से एक एक घर के अंदर जा कर के पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर के घर घर में लोगों तक इंटरेक्शन, बातचीत करने का काम किया है, और उसका एक बड़ा जो इलेक्शन को लगातार पीक देने का काम कार्यकर्ताओं ने और हमारी उच्च लीडरशिप ने, हरियाणा प्रदेश की लीडरशिप ने, जो इसमें लगातार लोगों के बीच में जाकर के पीक देने का काम किया है, मैं उनका सबका भी धन्यवाद करता हूं। और आज जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए हैं, तो लोगों का जो उनके प्रति प्रेम और उनके प्रति विश्वास, आदरणीय मोदी के प्रति जो श्रद्धा का भाव, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों का देखते ही बनता था। जबरदस्त स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किया, और हरियाणा प्रदेश के लोग कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश को बदलने का काम किया है, गरीब की चिंता की है, गरीब तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम, उसको सशक्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। कोरोना जैसा अगर वैश्विक संकट भी आया है, सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के उस भयानक बीमारी में लोगों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी, और मजबूती से उन तक चाहे वैक्सीन पहुंचाने की बात है, चाहे राशन पहुंचाने की बात है, और चाहे लोगों तक जो हमारा छोटा रेड़ी फड़ी वाला था, उस तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम है। आदरणीय मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास प्रदेश के लोग और देश के लोग करते हैं, और उसका परिणाम है कि लोगों ने जो हिस्सा लिया है इस लोकतंत्र में, और इस लोकतंत्र में हिस्सा लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका भाव देखने को मिलता था। और आज हमने समीक्षा बैठक भी की है, उस समीक्षा बैठक में भी जो निकल करके आया है कि हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो खिल रहे हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा की जो 2019 में भूमिका थी, वही भूमिका 2024 में हरियाणा के लोगों की रहेगी, और हरियाणा के लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बना रहे हैं, ये सारा का सारा उस सर्वे में आया है। और मैं पुनः सभी प्रदेशवासियों का, जिन्होंने शांतिपूर्ण और इतनी भयानक गर्मी में जो इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी इलेक्शन के बीच में हमारे साथी आदरणीय राकेश दौलतापुर जी, जो बीच में हमें छोड़ करके चले गए हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अभी उनकी आयु भी वो ज्यादा नहीं थी, परंतु परमपिता परमात्मा के आगे कुछ वश नहीं है, और उनका हमारे बीच से इस प्रकार से चला जाना वो मेरे लिए तो क्षति है ही, परंतु राजनीति में भी एक वैक्यूम उनके कारण आया है, परिवार को
जो उनके जाने से क्षति हुई है, मित्रजनों को हुई है, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूँगा कि उनको वो ताकत दे, वो शक्ति दे, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, और जहाँ पर भी वो दिवंगत आत्मा है, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो राकेश दौलतावादी क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक थे, और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए लगातार विधानसभा के अंदर आवाज को उठाते रहते थे, और आज हमारे बीच में नहीं है। मैं पुनः परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। नहीं देखिए, क्योंकि जो जिस प्रकार के हमारे पास आंकड़े आए हैं और आंकड़ों में जो आपका भी सर्वे है, आप भी लगातार फील्ड के ऊपर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते थे एक ही प्रकार का सिनेरियो, वो पूरे प्रदेश से व्यू निकल करके आया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपसी द्वेष की शिकार थी। इलेक्शन चलते चलते में भी कई वीडियोज ऐसी भी आई है कि यहाँ पर हम इस नेता की, कांग्रेस की तरफ से भी इस नेता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आकर के वो क्या करेंगे, उसका यहाँ कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, और वो गुटबाजी के कारण, क्योंकि कांग्रेस का नीचे संगठन नहीं है, और जब संगठन नहीं है तो बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां पर कांग्रेस का बस्ता भी नहीं लगा, कई ऐसे स्थान भी थे बहुत स्थानों के ऊपर जहां उसका टेंट भी नहीं लगा। इस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर थी, और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा है कि मोदी जी के प्रति जो देश और प्रदेश के लोगों का श्रद्धा का भाव है, लोगों ने एक तरफा वोट वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो 11 कमल के फूल बड़े मैंडेट के साथ वो खिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।